सुप्रभात, मेरा नाम अदिति है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। संपूर्ण विश्व में महाकाव्य और महाग्रंथ के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। यह प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल की सप्तमी को मनाई जाती है, जो 27 जुलाई 2020 को मनाई जा रही है। इनका जन्म कासंगज उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। जन्म के बाद सबसे पहला शब्द इन्होंने राम बोला था, जिसके बाद इन्हें राम बोला कहा जाने लगा। इनके गुरु नरहरि जी ने जिन्होंने इस बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और राम कथा सुनाई। वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मम्मल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवही रामन इत्यादि रचनाएं प्रमुख हैं। गोस्वामी जी के साहित्य में जीवन की सभी परिस्थितियों का वर्णन है। उन्होंने प्रत्येक काल मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति की है। तुलसीदास जी को सबसे ज्यादा ख्याति हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम महाकाव्य रामचरितमानस से प्राप्त हुई। यह ग्रंथ उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। यह भाषा उत्तर भारत की जनसाधारण भाषा है। जीवात्मिक जी की रचना रामायण को आधार बनाकर गोस्वामी जी ने लोक भाषण में राम कथा की रचना की। वे राम के अनन्य भक्त थे। उन्हें न केवल राम पर ही विश्वास था, बल्कि अटूट विश्वास था। श्री राम पर पूर्ण विश्वास करते हुए उन्होंने उनके इस मंगलकारी रूप को समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो संघर्ष जीवन को विपरीत धाराओं और प्रवाहों के बीच संगति प्रदान कर उसे अग्रसर करने में सहायक है। रामचरितमानस तुलसी जी की उदारता, अंतःकरण की विशालता, भारतीय कृति एवं सभ्यता की ऐसी आदर्शमयी और जीवंत प्रतिमा प्रतिष्ठित की है, जो विश्व भर में अलौकिक, असाधारण, अनुपम और अद्भुत है, जो धर्म एवं नैतिकता की दृष्टि से सर्वोपरि है। कोरोना काल की इस विश्व परिस्थिति में, जब हम सभी अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ऐसे में हमारी विद्यालय की प्रधानाचार्य जी श्रीमती नायर जी एवं हमारी हिंदी विषय अध्यापिका श्रीमती दीपिका चावला जी, जिनके मार्गदर्शन में हम विद्यार्थी तुलसीदास जयंती के अवसर पर काव्य पाठ का आयोजन कर पाए। आइए हम सभी इस काव्य पाठ का आनंद उठाएं। सर्वप्रथम काव्य पाठ करने आ रही हैं प्रियांशु, कक्षा 10वीं आ से। आइए सुनते हैं। ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। केल की उठत दाय, केल की उठत दाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत। दशरथ की रनिया, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। रज अंग जारी अंचल, रज अंग जारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी,
कह में दुबचनिया टुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया टुमक चलत राम चंद्र विद्रुम से अरुण आदर विद्रुम से अरुण आदर बोलत मुख मधुर मधुर सुभगनासिका में चारु सुभगनासिका में चारु लटकत लटकनिया टुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया टुमक चलत राम चंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद देख के मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया टुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया टुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र। अब काव्य पाठ का वाचन करने आ रही है शिवांगी गौर 12D से, आइए उन्हें सुनते हैं। सुप्रभात, आज मैं आप सबके सामने तुलसीदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम नाम मन दीप धरो जियो देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह सियो जियार नाम राम को कलपतरु कली कल्याण निवासु जो सिमिरत भयो भंग ते तुलसी तुलसी दास सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू विद्यमान रन पायरिपू कायर कतहि प्रतापु सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख जो न करै सिर मानी सो पछताए अघाय उर अब सी हुए तिहानी खिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पलाई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। धन्यवाद। अति उत्तम। अब आ रहे हैं अर्णव कक्षा 10वीं आ से काव्य पाठ सुनाने के लिए, आइए सुनते हैं। राम नाम नर के कशिपु कलिका राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिका जापक जन प्रहलाद जिनी बाल ही दली सुरसार ओ रामा बाल ही दली सुरसार सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजा साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजा राम बांधी उतरे उदरी लांघी गए हनुमान ओ रामा लांघी गए हनुमान
विभूति गुप्ता कक्षा दसवीं आ से जो काव्य पाठ का वाचन करने आ रही हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब मदन बैठ्यूं आई, सत्य कहूं मोहे जान दे माई, कवि ने उजतन दे ससी नमो ही कहे हनुमाना। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बतिस भयउ। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कितनी उत्तम प्रस्तुति रही। आइए अब सुनते हैं कक्षा 12वीं डा के छात्र मानव गर्ग जी का काव्य पाठ। ओम गणेशाय नमः, जय सियाराम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तज पद जल जाता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उत्तम प्रस्तुति रही। आइए अब सुनते हैं कक्षा दसवीं अ के छात्र अपूर्व का काव्य पाठ। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोश सिंधु करे मन रोसा, कादर मन कहूं एक धारा, देव देव आलसी पुकारा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, बजहूं बज ही जोई संत, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अति उत्तम। अब अंत में आ रहे हैं आदर्श 12D से कथा का वाचन करने, आइए उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श आलोक प्रवासी इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड, सुंदरकांड एवं उत्तरकांड के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान, बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सुगंध कर दोई, जलो जलाहि पै लहै लहै निसाचि नीचु, सुधा सराहि अमरता गरल सराहि मीचु, भाग छोट अभिलाषु भर करहुं एक विश्वास, पै हसी सुख सुनि सुजन सब खल करही उपहास, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुन करहु निरंतर गान, विबुद विप्र बुद ग्रह चरण बंदि कहूं कर जोरी, होइ प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरी, सचिव बैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होइ बैगहि नास, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहुं भजहि जहि संत, मैं कृत कृत्य भयूं अब तब प्रसाद बिसुवेश, उपजि राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर, काम ही नारी पियार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वाह, कितनी मधुर आवाज थी। यहीं पर हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।